है तो 11 विषय हैं। गिन लो, आकूते हैं पंच, पंच तो आकूतियां हैं कर्मेंद्रियां, और पंच बुद्धिन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं, इसको पंच धियो कहते हैं। पांच पांच दस, 11वां है अभिमान। ग्यारह वृत्तियां हुई, पंच बुद्धिन्द्रियां या ज्ञानेन्द्रियां या पांच कर्मेंद्रियां, आकूतया पंच धियो ही पंच, पांच पांच दस, एक अभिमान 11। ये मन ही अभिमान करता है, मन ही कर्म करता है, हाथ पांव हिलाता है, मन ही मलमूत्र त्याग करता है, मात्राणि तन्मात्राएं, ये तो बुद्धि इंद्रिय के विषय हैं। और कर्माणि कर्मेंद्रियों के विषय हैं। अपुरम अभिमान का विषय है शरीर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। ये मन के ही विषय हैं, और कर्मेंद्रियों के पांच विषय मन के ही विषय हैं। कर्मेंद्रियां कुछ नहीं करती हैं, मन ही करता है। ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं करती हैं, मन ही करता है। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। 9वां श्लोक है, 15 का 9। अधिष्ठाय मनश्चायम, 15 का 9। ये भी जितने भी ज्ञानेन्द्रियां हैं, मन के आधार पर विषयों का सेवन करती हैं। सबका आधार मन है। ग्यारह भूमि विषय हैं। वदंती है एकादश वीर भूमि, भूमि माने आधार, आधार माने विषय। वदंती है एकादश वीर भूमि, ग्यारह भूमि हैं, विषय हैं जिस पर मन काम करेगा। अब कैसे काम करता है इसको वैज्ञानिक ढंग से समझ लो। पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, गंधा कृति स्पर्श रस श्रवांसी, गंध
घ्राणेन्द्रिय आकृति चक्षु ये ज्ञानेन्द्रिय है, स्पर्श त्वचा, रसना जिह्वा इसमें रस खट्टा मीठा, श्रवांसि मन शब्द, ये श्रोत्रेंद्रिय के पांच विषय हो गए। गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसि पांच ज्ञानेन्द्रिय के विषय हो गए, पांच भूमियां हो गई ज्ञानेन्द्रिय की। और कर्मेंद्रियों की पांच इंद्रिय भूमियां हैं, विषय हैं, विसर्ग माने त्याग, मल मूत्र का त्याग करना, विषय माने विसर्ग माने त्याग, मल को छोड़ा जाता है पकड़ा नहीं जाता, तो विसर्ग ये मल मूत्र इंद्रिय है। शिष्ण गुदा दोनों आ गए विसर्ग में। रति संभोग करना शिष्ण इंद्रिय का कार्य है। विषयानंद लेना रति है। आरती माने जाना, ये पांव के काम है। अभिजल माने बोलना, भाषण करना, ये वाणी। और शिल्प माने लेना देना, हाथ का काम। ये पांच कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, इनके विषय, एकादशं स्वीकरणं ममेति, अलग से कुछ लोग ग्यारहवां विषय मानते हैं ममता का विषय। अभिमान के दो भेद हो गए, अहंता ममता, ग्यारहवां और बारहवां विषय। ग्यारहवां विषय ममता, मेरापन जिसमें हो जाए, शैया शरीर, इसमें अहम, शय्याम अहम, जो अहम है उसका आश्रय शरीर है। शय्याम अहम, बारहवां विषय कुछ लोग उसको अलग मान लेते हैं। ये मन के ही बारह विषय हैं। बारह तरह से मन हमारा काम करता है। संसार में ये बारह सड़कें हैं जिस पर मन चलता है, मन वर्क करता है।
मन के काम करने की जो भूमियां हैं वो 12 हैं। अब कैसे काम करता है इसको समझो। ज्ञानेंद्रियों शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें मन कैसे काम करता है, नाक से हमको सूंघते हैं अच्छी खुशबू या दुर्गंध, तो हवा से गंध भीतर जाती है नाक में, लेकिन नाक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि काम मन करता है। मन या बुद्धि एक ही बात है। नाक में से एक नाड़ी निकल करके मस्तिष्क में जाती है, उसको गंधवाहा नाड़ी कहते हैं। गंधवाहा नाड़ी यहां ऑफिस में बैठा है मन या बुद्धि, उसको ऑफिस है, यहां ऑफिसर ऑफिस में बैठता है, वहीं से ऑर्डर निकालता है। चपरासी लोग कागज ले आते हैं, इस पर साइन कर दीजिए। ऑफिसर एक जगह बैठा हुआ है, वैसे ही मन या बुद्धि एक ही बात है। ये बुद्धि के पास गंधवाहा नाड़ी पहुंची और उसने पेश किया, ये कागज है हुजूर। तो बुद्धि ने कहा, ओह ये दुर्गंध है, इसको हटाओ, ये गंध है, ये केवड़ा की खुशबू हो गई, ये खस है, ये गुलाब है, ये सब यहां संस्कार लिखे हुए हैं। गंधवाहा नाड़ी ने जिस गंध को पेश किया तो बुद्धि ने निर्णय दे दिया, ये ऐसी खुशबू है या बदबू है। इसके बाद आंखों से देखते हैं, ये भी ज्ञानेंद्रिय है। उसने जैसे फोटो उतार करके कैमरामैन फोटो पेश करता है तो उसको पहचान करके आदमी कहता है ये आदमी वो है। वैसे आंखों ने फोटो खींचा, बड़ा विचित्र कैमरा है भगवान का, उस कैमरे में आंखों में रूप वहा नाड़ी थी, उसको रूप वहा नाड़ी कहते हैं। यहां से निकल करके और मस्तिष्क तक जाती है और उसको देख करके मनुष्य कहता है ये तो मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी स्त्री है, ये शत्रु है। उन रूपों को देख करके मन फैसला देता है
यानी बुद्धि फैसला देती है, तो काम बुद्धि इंद्री कर रही है। स्पर्श ये सारे शरीर में है, छूना ये आग है, ओहो जल जाएंगे, ये ठंडा है, छूने से ही बुद्धि फैसला देती है, ये स्पर्श ग्राह्य है, इत्याज्य है। स्पर्श वहा नाड़ी बुद्धि तक पहुंचती है और बुद्धि फैसला देती है। जीभ, लड्डू खाते हो उससे एक रस वहा नाड़ी निकल जाती है और बुद्धि कहती है ये लड्डू मीठा कम है, ये ज्यादा है, ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीता है, ये सब रस वहा नाड़ी पेश करती है और बुद्धि फैसला देती है। कान से शब्द सुनते हैं, शब्द वहा नाड़ी निकल करके यहां जाती है मस्तिष्क में और बुद्धि कहती है वो देखो मोर की आवाज आई, ये बादल की आवाज है, ये बिजली की आवाज है, ये वीणा की आवाज है, ये तो हमारी माँ बोल रही है, ये हमारे भाई ने बुलाया है। ये सब शब्द वहा नाड़ियां अनेक शब्दों को पेश करती हैं और ज्ञानेंद्रिय फैसला देती है। ये पांच विषय भय ज्ञानेंद्रियों के, यानी मन ही देखता है, मन ही सुनता है। 15वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान ने कहा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मन का अधिष्ठान बना करके, आधार बना करके तब जीव विषयों का भोग भोगता है। मन नहीं काम करेगा तो विषय विषय कुछ नहीं है। तुम सो रहे हो, सर्प निकल गया पता नहीं, क्योंकि मन काम नहीं कर रहा था, जागते होते तो डरते भागते, सोते हुए आदमी के मुंह में लड्डू डाल दो उसको पता नहीं पड़ेगा मीठा है कि खट्टा है, क्योंकि मन सो रहा है, जीभ में कुछ नहीं हुआ लड्डू डालने से। सोते हुए आदमी के पास खड़े होकर गाली दो, अबे बेवकूफ, तू मूर्ख, गधा, नालायक, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा, कान खुले हैं लेकिन मन नहीं काम कर रहा है, हजार गाली दो कुछ नहीं होगा। जितने भी विषय हैं ये मन के आधार पर चलते हैं। महात्माओं का मन संसार से अलग होता है। भगवान ने गीता में कहा
सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी वशी। कि जो वशी है 5/13 मन से किसी विषय को ग्रहण नहीं करता। 5/13 और 9 दरवाजे हैं, इनसे काम करता हुआ भी नहीं करता है। मन अलग है, महापुरुषों का जो भोग है अनासक्त भोग, लड्डू पेड़ा भी खाते हैं उनका मन आसक्त नहीं है, तो वो लड्डू खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं। 9 दरवाजों से काम करते हुए भी वे काम नहीं कर रहे हैं, न कर रहे हैं न करवा रहे हैं। और हम जैसे लोग लड्डू मन मुंह में नहीं है फिर भी सोच रहे हैं लड्डू आ जाए लड्डू आ जाए, बिना भोग कर भोग भोगते हैं, मन से सोचते रहते हैं लड्डू आ जाए पेड़ आ जाए। न सोचने से लड्डू आया न पेड़ आया, लेकिन मन ने भोग भोग लिया। क्योंकि मन आसक्त है, और मन आसक्त नहीं है तो महापुरुष लोग 9 दरवाजों से भोग भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगते। बड़ा विचित्र श्लोक है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते। 9 दरवाजे हैं, 7 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, 2 आँख 2 दरवाजे नाक के, 2 कान के, 2 तियाँ 6, 1 मुंह 7 और 2 नीचे लिंग गुदा 8 9। 9 दरवाजे हैं, इन दरवाजों से मनुष्य काम करता है। लेकिन अगर मन आसक्त नहीं है तो इन दरवाजों से काम करते हुए भी महापुरुष लोग अकर्ता बने रहते हैं। क्योंकि मन से उन्होंने विषयों को ग्रहण नहीं किया। हम लोग मन के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं तो भोग न होने पर भी भोग भोगी बने रहते हैं। चिंतन से तो ये विसर्ग रत, ये तो हमने ज्ञानियों के विषय बताए, गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसी। और कर्मेंद्रियों के विषय क्या है, विसर्ग माने मलमूत्र त्याग, रति माने विषयानंद भोग, आरती माने जाना, अभिजल्प माने बोलना, शिल्प माने काम करना। इन्हें मन ही लघुशंका करता है, मन ही टट्टी करता है, मन ही भोग भोगता है, मन ही बोलता है, मन ही काम करता है। अब इसको डॉक्टरों के हिसाब से समझ लो, यहाँ दिमाग में सेरिबेलम, क्या कहते हैं भाई सेरिबेलम, छोटा दिमाग होता है, यही कंट्रोल करता है। जब काम करते हो चलते हो, जितना भी शरीर में काम हो रहा है
सेरिबेलम कंट्रोल करता है, किसी डॉक्टर से समझ लेना। शरीर की में जो क्रिया हो रही है चलने फिरने की, जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हुआ, चलना फिरना सब भूल गए थे, ये उठा के बैठाते थे, तब हमको याद आया कि डॉक्टर ठीक कहते हैं, मन ही चलता है, मन ही फिरता है। सेरिबेलम हमारा उस समय काम नहीं करता था, तो उठाते थे बैठाते थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे, और धीरे धीरे वो जब काम करने लग गया तो चलने लग गए, फिरने लग गए, करवट बदलने लग गए, सारा बात हमको अनुभव में आ गया कि हमारे यहाँ एक एक श्लोक सही है। विसर्ग रत्यर्थ अभिजल्प शिल्पा, आंखें खुली रहती थी ये पहचान नहीं पाते थे, ये सब मिलने जाती थी लड़कियां तो किसी को कुछ नाम बताते थे, किसी को कोई नाम बताते थे, आंखों से देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। ये मन ही देखता है, मन ही भोगता है, मन ही उठता है, मन ही बैठता है। अब जैसे जैसे मन को काम करने के लिए वहां डॉक्टरों ने एक गेंद दिया था कि ऐसे ऐसे इसको दबाइए, तो दबाने दबाने से धीरे धीरे सेरिबेलम काम करने लग गया। जो भूल गए थे और बोले नहीं दबाएंगे तो आप पछताएंगे, हमने दबाने में आलस किया तो लिखने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे वो आ जाएगी। लेकिन वो फंक्शन करने के लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये सब हमारे अनुभव में आ गया, एक तरह से हम मर के जिए, ये दिन रात रहते थे सेवा करते थे। इन्होंने पूछा मैं कौन हूं, हमने कहा तुम विश्वनाथ पांडे हो। वो हमारे साथ पढ़ता था, एक लड़का मित्र था, तो कुछ याद ही नहीं था, आंखें देख रही हैं लेकिन हम मुर्दा हैं। क्यों कि वृत्तियां हैं मन की। अब समझ में आया, मन ही सूंघता है, मन ही देखता है, मन ही स्पर्श करता है, मन ही रसना को लेता है, मन ही शब्द को सुनता है। ये बुद्धियों में शब्द वहा, स्पर्श वहा, रस वहा, रूप वहा, गंध वहा नाड़ियां हैं, ये बुद्धि के पास पहुंचाती हैं, तब मन काम करता है। चपरासी ले जा करके दिया, हुजूर इस पर साइन कर दीजिए, साइन कर दिया। ये मन ही चलता है, मन ही फिरता है। सेरिबेलम हमारा काम नहीं कर रहा था तो हम उंगली भी नहीं चलती थी। ये सब मन कर रहा है, इसीलिए श्लोक है, भगवान ने कहा 5/11 नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं। नौ दरवाजों से जो भी देही मन जीवात्मा काम कर रहा है, वो न करता है न कराता है,
मन से हमारा संबंध हट जाए तो हम कुछ नहीं, सब काम करते हुए भी अकर्ता बने रहेंगे। ये भगवान ने जो श्लोक कहा है, इस समझ में तभी आता है जब अनुभव में बात आ जाती है। सर्व कर्माणि मनसा वशी, लोग जो होते हैं संयमी, मन से कर्मों को छोड़ देते हैं। मनसा सन्यस्य, अच्छी तरह छोड़ देते हैं। और नौ दरवाजों वाले शरीर में सब कुछ करते हुए न करते हैं न कराते हैं। जिसका मन से संबंध हट गया, देखो 5/11, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग भी काम करते हैं लेकिन संगम आसक्ति को छोड़ करके। आसक्ति हटी और आत्मशुद्धि आई। शरीर से, मन से, बुद्धि से या खाली इंद्रियों से जो काम किया जाता है वो संस्कार तभी बनता है, गंदगी तभी आती है जब मन छू लेता है। मन की आसक्ति होती है तब विषयों की गंदगी आती है, नहीं तो विषयों के भोगने के बाद भी गंदगी नहीं आ सकती। योगी लोग बड़े होशियार होते हैं, आसक्ति को छोड़ के कर्म करते हैं। आसक्ति ऐसी चीज है, छूटती नहीं है। हम देखते हैं माँ बाप मना करते हैं बच्चे को, उसके साथ मत खेलो, कोई यार है दोस्त है, लेकिन लड़का हठ नहीं छोड़ता है क्योंकि उसकी आसक्ति है, छूट नहीं सकती, भले प्राण जाए तो चले जाए। और चतुर योगी आसक्ति को छोड़ के कर्म करता है, उसी को योगी कहा गया है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। आसक्ति ही गंदगी है। इसको भागवत से समझ लो। प्रथम स्कंद में ही ये बात कही गई है कि तपा शौचम दया सत्यम, ये चार धर्म के चरण हैं। है? 17 का 24 वाह, अच्छा किया संख्या बता दिया।
17:24, धर्म के चार टांगे हैं, चरण हैं, तपस्या, शौच, पवित्रता, दया और सत्य। इन टांगों को तोड़ने के लिए चार अधर्म के पास टांगे हैं। तपस्या नष्ट हो जाती है इसमें अहंकार से। हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े समझदार हैं, किसी प्रकार का अहम है तो उसका तप नष्ट हो जाएगा। शौच पवित्रता संग आसक्ति से नष्ट हो जाएगी। किसी प्रकार की आसक्ति है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरी बहन है, ये सब आसक्तियाँ, शौच गंदगी, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, गंदगी आ जाएगी मन में। दया से मद नष्ट हो जाता है। और अहम से तो बिल्कुल सर्वनाशी हो जाता है। असत्य से तपाव शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांश स्त्रो भगना स्मय मंग मदय मदय स्तव। आसक्ति चाहे कैसी भी है, कोई कहे मेरी माँ है, पवित्र आसक्ति है, गलत है। राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी। विभीषण से कहा है सुंदरकांड में, मद मम पद मन बनहि बांध बट डोरी। क्या संख्या है भाई? हैं 48, 48 सुंदरकांड। माता पवित्र ममता है, आसक्ति है, लेकिन आसक्ति है गलत। जनक मेरे पिताजी हैं, बंधु मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, सुत मेरा बेटा है, मेरी स्त्री है, मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा मकान है, सुहृद मेरा मित्र है, दोस्त है, परिवार है, ये सब ममताएं भगवान से अलग कर देती हैं। इसलिए योगी वही है जो आसक्तियों को छोड़ के चलता है। 5:11 गीता, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। एक किसी ने कथा सुनाई थी, 3 लॉफिंग सेंट्स, 3 हंसते हुए संत। वो तीनों साथ रहते थे, हंसते रहते थे। जब देखो हंस रहे हैं, जब देखो हंस रहे हैं। लोग समझते थे पागल हैं। लेकिन हंसते ये थे, ज्ञानी थे, ये संसार का सब व्यवहार मिथ्या है। कोई रो रहा है तो भी हंसते रहते थे, कोई मर गया है विलाप कर रहा है, हा 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 हा, सब लोग कहते पागल लोग आ गए तीनों, ये कोई हंसने का मौका है, उसका पति मर गया, विधवा हो गई है, ये हंस रहा है,
तो पागल समझ के भगा देते थे या मारते पीटते थे। एक दिन इन तीनों में एक मर गया तो लोगों ने कहा चलो अब देखेंगे, वो दो रो रहे होंगे, आज पता पड़ेगा कि दुख क्या है। सब लोग गए दोनों के पास, दो बच्चे थे, दोनों बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। बोले ये सच में पागल हैं, इनका मित्र मर गया ये हंस रहे हैं, इनकी न कोई मित्रता है न कुछ है। बोले अभी एक बचा है, दोनों में से एक मरेगा जब रोएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि रोना पड़ेगा। एक दिन उन दोनों में से भी एक मर गया। तब लोग गए बोले आज देखो पता पड़ेगा क्या हंसी है क्या रोना है। तो बहुत जोर जोर से हंस रहा था एक बच्चा था, ज्यादा हंस रहा था। तो समझ नहीं पाए, बोले अरे ये तो पूरा पागल है, आज तो इसका रोना था। तो पकड़ लिया किसी ने, बोले क्यों हंसता है, लेकिन वो तो ज्ञानी था। मौज है संत की, बोल दे न बोल दे, अपने रहस्य को बतावे न बतावे। उस दिन उसने बताया कि मैं हंसता इसलिए हूं कि संसार बेवकूफों का एक झुंड है। तुम लोग सोचते हो रोना चाहिए, हम इसलिए हंसते हैं कि भगवान की माया ने क्या उल्लू बना रखा है, न संसार में हर्ष है न शोक है। ये सब एक मिथ्या व्यवहार है और यही बात बड़े सुंदर ढंग से लक्ष्मण जी ने निषाद राज से बात किया था कि संसार का जितना व्यवहार है ये प्रसंग आता है। अयोध्या कांड में, हाँ, क्या दुआ बताया, 93-92 में देखो ऊपर, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। किसी से मिल गया वियोग मर गया, भोग स्त्री मिल गया लड़की को दूल्हा मिल गया, कोई भला आदमी मिल गया, मंद मिल गया, उदासीन, हितैषी अनहित शत्रु, ये जितने भी जन्म मरण जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, ये सब मोह मूल परमारथ नाही। आखिरी चौपाई है, ये सब भेद मोह के हैं, परमार्थ नहीं है। तो संत बोला जो एक बचा था
मैं इसलिए हंसता था और हंसते हुए मर रहा हूं कहकर के मर गया, शरीर छोड़ दिया। वो एक बचा था तीनों में, थ्री लाफिंग सेंट्स में एक ने भेद बताया अपना कि मैं इसलिए हंसता था, हम दोनों हंसते थे, तीनों हंसते थे कि सब संसार मोहग्रसित है। मोह निशा सब सोवन हारा, सब हम लोग सो रहे हैं मोह निशा में। देखिए सपन अनेक प्रकारा, सपना देख रहे हैं, लड्डू मिल गया बड़े खुश हो गए, भोग मिल गया बड़े खुश हो गए, पैसा मिल गया बड़े खुश हो गए। ये सब क्या है? मोह है, अनेक प्रकार का मोह है, सपना है, योग का सपना, वियोग का सपना, भोग का सपना। हलवा मिल गए खुश हो गए, भोग मिलते खुश हो गए, ये सब मोह है। थोड़ी देर में हलवा भी चला जाएगा, मल बन जाएगा, टट्टी पेशाब बन के चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग मोह में ग्रसित हैं। जागता कौन है? जो परमार्थी है, प्रपंच संसार से अलग है, जाग रहा है। बाकी हम लोग जो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये मोह में सो रहे हैं। योगी कौन है? भगवान बोले 5/11 में, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जितने कर्म करते हैं योगी लोग, आसक्ति छोड़ के करते हैं, संगम त्यक्त्वा, आत्मशुद्धि के लिए अशुद्ध हो जाते हैं। और हम जैसे लोग हर कर्म करेंगे तो आसक्ति के साथ करेंगे, चार पैसा पकड़ेंगे तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा है। चार पैसे में अहंता ममता बढ़ाते रहते हैं, महामूढ़ है, किसी भी आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। और जो सब आसक्तियों को छोड़ता है वही योगी है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारण फले सत्तो निबध्यते। वो बांधा जाएगा, भवसागर पार नहीं हो सकता है। जय श्री राधे।